हेलो दोस्तों दोस्तों आज हम चर्चा करते हैं कि GSTR 9 में जो हम इंपोर्ट करते हैं, तो आप सब जानते हैं कि इंपोर्ट जो किया जाता है मटेरियल, यानी कि जब आप फॉरेन से इंडिया में किसी माल का परचेज करते हैं तो उसे हम इंपोर्ट बोलते हैं। तो इंपोर्ट पे जो GST लगाया जाता है उसको IGST के तहत ट्रीट किया जाता है। तो इम्पोर्ट का जो IGST है उसे हम कहाँ और कैसे शो करेंगे GSTR 9 एनुअल रिटर्न में, चलते हैं हम देखते हैं। हम एनुअल रिटर्न की साइट पे जा रहे हैं। अब इसमें मैं सबसे पहले आपको एक चीज और बताने जा रहा हूं कि IGST जो आपका बिल ऑफ एंट्री पे लग के आता है, इंपोर्ट के केस में आपको बिल ऑफ एंट्री मिलता है, बिल ऑफ एंट्री पे जो आपका IGST लगा रहता है वो आपका GSTR 2A में रिफ्लेक्ट नहीं करता है। एग्री शायद आप सब लोगों ने अभी तक देख लिया होगा, तो इस चीज से आप एग्री है कि वो चीज वहां पे नहीं आएगा। अब नहीं आएगा तो आपको क्या करना है, अब आपके पास सवाल ये होता है कि आपका ITC GSTR 9 में और रिटर्न में जो आपका 3B वगैरह था वो मिसमैच होता दिख रहा होगा, तो क्या करें, इसे कहाँ दिखाएं जो मिसमैच नहीं हो, क्योंकि 2A में तो दिख नहीं रहा आपका, तो क्या किया जाएगा। सबसे पहला चीज, आप ITC तब लेंगे जब आप अपना GST रिटर्न का, जो हमारा GST रिटर्न है उसको आप फिल करेंगे, GST रिटर्न को फिल करेंगे तभी लेंगे। और फिल क्या क्या करना है, तो भैया इसमें एक ही चीज है, कुछ भी ज्यादा करने की नहीं है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है अपने को। आपने को सिर्फ और सिर्फ क्या देखना है कि जो बिल ऑफ एंट्री है उस पे आपका आपका जो GST नंबर है शुड बी मेंशन। अगर आपका GST नंबर है तो आप ITC ले सकते। अब ITC के लिए अपना 8 नंबर टेबल है। 8 नंबर टेबल का सी नंबर पॉइंट कहता है ITC ऑन इनवर्ड सप्लाई अदर देन इंपोर्ट एंड इनवर्ड सप्लाई लाइबल टू रिवर्स चार्ज बट इंक्लूड सर्विसेज रिसीव फ्रॉम सेल्स, यानी कि वो ITC यहाँ पे लेना है ऑन इनवर्ड सप्लाई अदर देन इंपोर्ट, यानी इंपोर्ट का यहाँ पे नहीं लेना है। अब जब इंपोर्ट का नहीं लेना है तो फिर ये जाएगा कहाँ। अब H नंबर पॉइंट क्या कहता है कि IGST क्रेडिट अवेल ऑन इंपोर्ट ऑफ गुड्स एज पर 6E एवब, यहाँ पे वो आएगा, ये ऑटो पॉपुलेटेड रहेगा। आपको यहाँ पे डाटा अब आएगा आपका इंपोर्ट का जो IGST आपने लिया है, यहाँ वाला जो डाटा होगा वो आएगा आपका जो इंपोर्ट का आपने IGST लिया है ITC के रूप में, टेबल नंबर 6 का रो नंबर ई में वो डाटा यहाँ आएगा। तो पॉइंट क्लियर, ऊपर अपने को नहीं देना है 8C में, ये कहाँ देना है 8H में, ठीक है। अब ये IGST का जो क्रेडिट लेना है ये 6E में लेना है। अब हम चलते हैं थोड़ा सा 6E को देख लेते हैं, हम आपको दिखाते हैं कि क्या करना है, कहाँ पे देना है। यहाँ पे जाने के बाद आप देखेंगे 6E में क्लियरली लिखा है इंपोर्ट ऑफ गुड्स इंक्लूडिंग सप्लाइड फ्रॉम सेल्स, आपने जो गुड्स का मटेरियल का इंपोर्ट किया, यानी जो परचेज किया फॉरेन से, उसका इनपुट यहाँ पे अपने को लेना है। साथ ही से स्पेशल इकोनॉमिक जोन से भी अगर आपने कोई परचेज किया है तो उसका भी इनपुट आपने को इसी कॉलम में लेना है। अब देखिए मटेरियल आप 2 टाइप्स का परचेज करते हैं, एक RM यानी रॉ मटेरियल, सेकेंडली कैपिटल गुड्स जैसे मशीनरी के पार्ट्स, उस पर भी ITC होते हैं, और रॉ मटेरियल्स का इनपुट, इस दोनों का अलग अलग इनपुट होता है। तो अब आपने क्या करना है, जो माल का इनपुट होता है, जो
अब माल आपके लिए कौन सा है ये समझ लीजिए, जो भी आपका बिजनेस है उस बिजनेस का जो रॉ मटेरियल है वो आपके लिए इनपुट आ जाएगा, और कैपिटल गुड्स आपके लिए मशीन वगैरह हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो कैपिटल गुड्स आप मंगवाइएगा, जैसे कोई मशीन का आपने इंपोर्ट किया, तो उसपे जो ITC आपको मिलेगा, IGST लगा हुआ जो आपको बिल ऑफ एंट्री में मिलेगा, वो अमाउंट यहाँ आएगा। यानी कि टेबल नंबर 8C का जो ITC आता है उसमें आपको अदर देन इंपोर्ट देना है। अब ए टैक्स में जो मेट आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, E6E नंबर कॉलम से आएगा, 6E वहां पे जाएगा। अब सवाल क्या उठता है, यहाँ पे कहीं ये नहीं लिखा हुआ था कि जो 17-18 फाइनेंशियल ईयर 17-18 का जो आपका इंपोर्ट था, अगर आपका बाय द वे आपका CHA वगैरह ने नहीं दिया, बिल लेट आया, तो 18-19 में अपने को इनपुट लेना। सपोज करिए एज पर एग्जाम्पल 30 मार्च 2017 को मेटेरियल आया, मान लीजिए PPG पटपरगंज या TKD से तुगलकाबाद से दिल्ली से आपका पोर्ट से आपका चला माल माल आया, बिल वहां 30 का है, आपके यहाँ गेट पे एंट्री MRN हो गया 1 अप्रैल को, तो देन यू विल गेट ITC ऑन 1 अप्रैल 2018। अब क्योंकि आपका MRN हुआ, आपका सिस्टम अलाउ नहीं करेगा बैक डेट में, अब बैक डेट में अलाउ नहीं करेगा, तो अब सवाल उठता है जो 17-18 के बिल को मैं 18-19 में कहाँ दिखाऊँ जी GSTR 9 में, तो भैया कहीं नहीं, सारे के सारा यही दिखाना है, इनपुट का यहाँ पे, कैपिटल गुड्स का यहाँ। यानी आपका ये पॉइंट क्लियर हो गया कि 6E का जो इंपोर्ट वाला कॉलम है यही रिफ्लेक्ट आपको कर रहा है टेबल नंबर 8 का जो अपना ITC का डिटेल है उसके H नंबर में। यानी 8 टेबल नंबर 8 का कॉलम नंबर H जो है वहां पे डाटा आएगा ऑटो पॉपुलेटेड होकर के सिक टेबल नंबर 6 के ई नंबर कॉलम से, और 8 के सी नंबर में आपने को क्या देना है, ITC अदर देन सेज या अदर देन इम्पोर्ट। तो दोस्तों ये बहुत ही बड़ा इम्पोर्टेंट वीडियो है, कि कई लोगों का मेरे पास व्हाट्सएप आ गया था कि सर मैं इनपुट कहाँ दिखाऊँ कहाँ दिखाऊँ, 8H में दिखाऊँ जो कि ऑटो पॉपुलेटेड है, तो मैं इसे कहाँ ले जाऊं हमारा बिल ऑफ एंट्री से। तो आपको सबसे पहला क्लियर पॉइंट हो जाना चाहिए कि 8C में अपने आप को नहीं लेना है, क्योंकि लोगों का था 8H ऑटो पॉपुलेटेड है, 8C लिख रखा है कि भैया डिपार्टमेंट ने कि आपने को अदर देन इंपोर्ट लेना है, तो फिर मैं इसे कहाँ शो करूँ, तो भैया आपको शो कहाँ करना है, ना 8C में ना H में, आपको करना है 6E में। 6E में इंपोर्ट अलग, रॉ मटेरियल का अलग और कैपिटल गुड्स का अलग करना है। ये आपका पॉइंट क्लियर हो गया। अब दूसरा पॉइंट था 17-18 और का बिल CHA के पास से मुझे लेट बिल ऑफ एंट्री मिला, तो 18-19 में हमने अपने बुक में एंट्री किया, तो अपने को अब कहाँ ले जाना, इन दैट केस अपने को क्या करना है, अपन को ये देखना है कि हमारा माल एंट्री कब हुआ। कोई टेंशन नहीं है, 18-19 में हुआ ना, कोई बात नहीं बाबू, उसको आप इसी कॉलम में 6E कॉलम में दोनों का 17-18 का भी ITC और 17-18 वाला ITC जो आपने 18-19 में लिया वो भी वहां पे दिखा दीजिए। तो ये था दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि लोगों को पसंद आए, और आई होप कि अभी तक तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ही दिया होगा, और अगर नहीं किया तो 1 सेकेंड टाइम देकर जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय।